बिहार सरकार में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं अक्सर उनको अपने संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है। इसको लेते हुए बिहार सरकार ने एक नया फैसला सुनाया है और कहा है कि जितने भी सरकारी सेवक हैं उनको हमेशा अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हर वित्तीय वर्ष के अंत में बिहार में सभी श्रेणी के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है, मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए गए ब्यौरों में कई खामियां या जाती है, इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्यौरों में इस बात का खास तौर पर ध्यान से रखे कि यह तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निगरानी के स्तर पर हाल में हुई समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी का क्रियाकलाप सरकारी कर्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जा सकती है। गौरतलब है कि जून 2021 में तत्कालीन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी भेजा था। इसके लिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका पालन करते हुए सभी कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। प्रत्येक कर्मी को पहली नियुक्ति से लेकर बाद के वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक संपत्ति का विवरण देना होगा। संपत्ति जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में मिली हो, इन सब की जानकारी देनी होगी। जी हाँ, हर वित्तीय वर्ष के अंत में बिहार में सभी श्रेणी के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा, मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए गए ब्यौरों में कई खामियां रह जाती है और इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे में लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्यौरे में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि यह तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक कर्मी को पहली नियुक्ति से लेकर बाद के वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक की संपत्ति का विवरण देना है। संपत्ति जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या उसे विरासत में मिली हो, इन सब की जानकारी देनी होगी। जी हाँ, जितने भी लोग हैं जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं, उसको देखते हुए उनके पास जितनी भी संपत्ति है उसका ब्यौरा अब सरकार को सौंपना होगा। चाहे वो संपत्ति उनकी हो या उसने अर्जित की हो या फिर उनको विरासत में मिली हो, इन सारी चीजों की तमाम जानकारी अब सरकार को सौंपनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।